हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, ये पार्ट 5 है जो कि आधारित है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अवकलन के उन प्रयोग पर। और बच्चों, पार्ट 4 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिसको हम लोग इस पार्ट में लेकर के पूरा मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना उन क्वेश्चनों को जो पिछले वीडियोज़ में बच गए थे और जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों स्क्रीन पर बोर्ड पर दो क्वेश्चंस लिखे हैं जो एक ही जैसे क्वेश्चन हैं और लगातार आए हुए हैं 2014-2015 में, जो कि एक क्लोज्ड इंटरवल का क्वेश्चन है, बाउंड इंटरवल का है। तो अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही है तो बाउंड इंटरवल में पहली सावधानी क्या करते हैं कि सेकेंड डिफ्रेंसिएसन नहीं करते हैं। दूसरी सावधानी क्या करते हैं कि जो एक्स की वैल्यू आती है वो एक्स की वैल्यू गिवन इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। और तीसरी, जो एक्स की वैल्यू बाउंड कंडीशन में दिया होता है उसको भी आपको कंसीडर करना होता है, क्योंकि उसे हम इंड्स पॉइंट कहते हैं, उसे हम अंत बिंदु कहते हैं। तो ये सारी बातें अगर आपको ध्यान में आ गई हैं तो आप इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे उसको। प्यारे बच्चों, अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो आप प्रीवियस वीडियो जो इस पर आधारित होंगे उसको देखना, पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है कि कैसे आप मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करते हो। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए गए हैं। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डिफ्रेंसिएसन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट तो हमको सेकेंड डिफ्रेंसिएसन भी करना होता है, लेकिन यहाँ पर जब क्लोज इंटरवल गिवन होता है तो हम केवल एक ही डिफ्रेंसिएशन से काम करेंगे। तो फंक्शन गिवन है 2x³ - 15x² + 36x + 1। एक्स के सापेक्ष हम इसे डिफ्रेंसिएट करेंगे, 6x - 30x + 36। एक्स के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है उससे हम f'x को 0 के इक्वल करेंगे। तो 6x - 30x + 36 = 0। 6 कॉमन कर लें, -5x + 6 = 0। 6 की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, इसलिए x - 5x + 6 = 0 होगा। फैक्टराइज कर लें इसे, 3x - 2x + 6 = 0। x कॉमन, x-3 - 2 कॉमन, x-3 = 0। x-3 x-2 = 0। यहाँ से हमको x के दो और भी मान मिलेंगे, x = 3 x = 2। अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये जो वैल्यू हमको मिली हुई है ये वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हो या क्वेश्चन के लिए ग्राह्य हो, एक्सेप्टेबल हो। हो सकता है कि जो वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे उसे हम इसे अग्राह्य कर देंगे, एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे, वह इस क्वेश्चन का सलूशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो पहले चेक कर लो, x = 3, 1 और 5 के बीच में है, ओके ठीक है। ये x = 2, ये भी 1 और 5 के बीच में है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ हमको कंसीडर करना होगा मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, बाउंड इंटरवल जब होता है प्यारे बच्चों, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इंटरवल के दो बिंदु हैं इसको भी आपको कंसीडर करना होगा, इसे हम इंड्स पॉइंट कहते हैं जैसा हमने आपको समझाया। तो चलो अंत बिंदु भी लिखो, तथा अंत बिंदु होगा इंड्स पॉइंट x = 1 और x = 5, यानी कि x के टोटल 4 वैल्यूज होंगे। अब इस पर फंक्शन में x की जगह पर मान रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा होगा उसे कहेंगे निरपेक्ष उच्चिष्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम होगा उसे कहेंगे निरपेक्ष निम्निष्ट एब्सोल्यूट मिनिमा। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान में रखना, ये मेथड केवल और केवल तब अप्लाई किया जाता है जब क्लोज्ड इंटरवल हो, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे एक क्रम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखेंगे f x = 2x³ - 15x² + 36x + 1। बच्चों आपका समय बचाने के लिए हम कर क्या रहे हैं कि इस पूरे को एक ही साथ सॉल्व करके आगे की वैल्यू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक मान तो मान लो हमने सॉल्व कर दिया आपके सामने, शेष वैल्यू स्क्रीन पर डायरेक्ट आपके आ जाएगी।
तो बच्चों एफ एक्स का जो वैल्यू निकला है, फंक्शन का जो वैल्यू एफ वन पर, एफ टू पर, एफ थ्री पर, एफ फाइव पर, चूँकि फोर मान हमारे पास आ चुके थे, चार वैल्यूज आ चुकी थी, तो एफ वन पर जब सॉल्व किए तो आया 24, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, एफ टू एक्स की जगह पर टू रखे, आया फंक्शन की वैल्यू 29, एफ थ्री की वैल्यू आया है एक्स की जगह पर थ्री रखने के बाद 28, और एफ फाइव की वैल्यू आई है 56। अब इन सभी वैल्यूज में से सबसे ज़्यादा 56 है, इसलिए कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। अच्छा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 5 होगा। तो 5 पर फलन का सबसे ज़्यादा मान होगा 56, लेकिन जैसा हमने आपसे कहा कि इसे केवल मैक्सिमा नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे निरपेक्ष उच्चिष्ट। तो निरपेक्ष उच्चिष्ट आपके पास हो गया 56, और जो सबसे कम वैल्यू है वो है 24, ये सबसे कम है, ये हो जाएगा निरपेक्ष निम्निष्ट। सबसे कम वैल्यू निरपेक्ष निम्निष्ट, सबसे ज्यादा वैल्यू निरपेक्ष उच्चिष्ट। निरपेक्ष उच्चिष्ट कब आया है? जब एक्स की वैल्यू 5 होगा। और निम्निष्ट की वैल्यू कब आए? जब एक्स की वैल्यू 1 होगी। तो बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था। जैसा हमने पहला पार्ट सॉल्व किया, दूसरा आप सॉल्व करना, और हो सके तो उसके आंसर को जरूर अपलोड करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि भी एक ही जैसा होगा, और ऐसे क्वेश्चन आप लगा चुके हो। देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा होगा, और फिर आशा करेंगे कि एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप जरूर लगाओगे। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और है, एक्चुअल में दो क्वेश्चन और हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए 2017 में, 2012 में, 15 में और 17 में। ये जैसा आप देख रहे हो टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन हैं, और आपको ध्यान में हो तो टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? पहले हम उसे वन वेरिएबल में चेंज कर लेते, और फिर उसे हम नॉर्मल जो स्टेप डिफाइन है मैक्सिमा और मिनिमा के कैलकुलेशन करने के लिए, उसको फॉलो करते हुए हम मैक्सिमा या मिनिमा या दोनों, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया हो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। ये क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया है एक्स और वाई में, जो कि है ए, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, और कह रहा है कि फंक्शन एक फलन है एक्स वाई स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो चलिए फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन को आप अपने इच्छा के अनुसार, आप अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मान लो हमने गिवन फंक्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं पी, पी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अब आप देखोगे तो पी जो फंक्शन है वो एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है और वाई पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसे एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों वेरिएबल का एक साथ डिफ्रेंशिएशन करना, मेरे पास इंटर स्तर तक कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई फार्मूला, कोई मेथड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। उसके लिए हमको ये गिवन इक्वेशन कंडीशन हेल्प करेगा। तो चूंकि दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, जहां पर ए कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन से हम एक्स या वाई किसी की भी वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर वन में इसे वन कर लेते हैं और इसे टू कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं। तो चलो y की वैल्यू निकाल लें, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं। तो मेरा जो फंक्शन p है वो केवल x का फंक्शन हो जाएगा। आप चाहो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा लो, या a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसा आप डिफ्रेंसिएशन करना उचित समझो वैसा कर लो। तो x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर लें तो ए स्क्वायर एक्स, एक्स क्यूब माइनस टू ए एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स, एक्स का वन ए स्क्वायर, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, टू का टू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर ए एक्स होगा। सेकेंड डिफ्रेंसिएशन की भी रिक्वायरमेंट होती है ये चेक करने के लिए कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है जीरो, ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस फोर ए, सिक्स एक्स माइनस फोर ए। पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए कि कहाँ कहाँ मैक्सिमा या मिनिमा होगा,
फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल करेंगे। और अगर आपको ये पूरा मेथड डिटेल में पढ़ना होगा तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 3x² माइनस 4ax इक्वल टू जीरो। आप इसे x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण बना लो, आप चाहो तो a का भी बना सकते हो, ठीक। ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर एक्स, और इससे चलो वैल्यू निकालते हैं x की, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। श्रद्धाचार मेथड का उपयोग कर लो या फैक्टराइजेशन कर सकते हो, फैक्टराइजेशन कर लो जैसी इच्छा आप लोगों की। माइनस बी, एक्स का जो कोफिशेंट है उसे हम b कहते हैं, यानी कि माइनस 4a प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 16a² माइनस 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू a² बाई 2 a की वैल्यू 3। x 4a प्लस माइनस 16a² माइनस 12a² बाई 6। x इक्वल टू 4a प्लस माइनस, आपके पास बचेगा यहाँ पर 4a² यानी कि 2a। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो 4 प्लस 2 यानी कि 6a बाई 6a हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू लोगे तो 2a बाई 6 होगा यानी कि a बाई 3 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू में से किस पर मैक्सिमा होगा, किस पर मिनिमा होगा, उसे हम चेक करेंगे d2 पर रख करके। तो d2p बाई dx² एट x इक्वल टू a, x की जगह पर a रखो तो हो जाएगा 6a माइनस 4a इक्वल टू 2a। क्या आता है, जैसा आपको याद होगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा आता है, किस साइन के साथ, किस चिन्ह के साथ आता है। तो एक धनात्मक संख्या है, एक पॉजिटिव संख्या है, और अगर पॉजिटिव संख्या है तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमा होगी और आपको मैक्सिमा कैलकुलेट करना, ये ध्यान में रखना। अतः x इक्वल टू a पर फलन p का मान निम्ननिष्ठ होगा, हमको निम्ननिष्ठ नहीं चाहिए इसलिए x इक्वल टू a मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो दूसरी वैल्यू देखते हैं, d2 y बाई dx² एट x इक्वल टू a बाई 3 इक्वल टू 6a बाई 3 माइनस 4a, यहाँ पर x की जगह पर a बाई 3 रखें, 3 से 6 कैंसिल हुआ और अब की बार आपको मिल गया ऋणात्मक मान, निगेटिव संख्या, और ऋण आने पर ही वैल्यू मैक्सिमा होती है, उच्चिष्ट होता है। कब उच्चिष्ट होगा, किस पॉइंट पर उच्चिष्ट होगा, x इक्वल टू a बाई 3 पर फलन उच्चिष्ट होगा। हमको उच्चिष्ट चाहिए लेकिन उच्चिष्ट पॉइंट चाहिए, उच्चिष्ट वैल्यू चाहिए भी, देखो उच्चिष्ट मान निकालना है। तो उच्चिष्ट मान कैसे निकलेगा, ये जो पॉइंट आया है x का मान और x के करस्पॉन्डिंग y का मान जो मिलेगा यहाँ से या यहाँ से, उसकी वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर ये वैल्यू रखते तो आपको मिनिमा आ जाती। तो x की इक्वल टू a बाई 3 आ गया, y इक्वल टू निकाल लो इक्वेशन नंबर सेकेंड से, y इक्वल टू हो जाएगा a माइनस x, a माइनस a माइनस 3, ये हो गया 2a बाई 3। इसलिए फलन का, फलन जो कि हमने रिप्रेजेंट किया है p से, फलन p का उच्चिष्ट मान ये कितना होगा, एक्स वाई स्क्वायर गिवेन था फंक्शन, देख लो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था, x की जगह पर उच्चिष्ट वैल्यू a बाई 3 रखेंगे और y की जगह पर रखेंगे y का मैक्सिमम वैल्यू a बाई 3 इंटू 4a² बाई 9, यानी कि हो गया 4a³ बाई 27। ये हो गया उच्चिष्ट मान जो इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ऐसा क्वेश्चन था जो 3 साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों, इसको आप लोग जरूर ट्राई करोगे, आपके लिए भला होगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है, जितने प्रैक्टिस का भी ये ना सोचना हमको आ रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे, हमको आ रहा है इसलिए बार बार करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर बार बार प्रयास करेंगे उसको समझने के लिए।
प्यारे बच्चों फिर से देखो ध्यान से, दो क्वेश्चन और स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि संख्या कोई 6 है, उसका दो ऐसा पार्ट करना है जिनके घनों का योग मिनिमा हो, निम्निष्ठ हो, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है का तात्पर्य क्या हुआ, ये गिवन है, याद करना। समझाते समय हमने आपको ये भी समझाया था कि जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो मेरे लिए कांस्टेंट होगा, इसका मतलब समकोण त्रिभुज का कर्ण कांस्टेंट हो गया। तो सिद्ध करो उसका परिमाप अधिकतम होगा यदि वह समबाहु त्रिभुज है, यानी कि उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक। ये पूछा गया 2006 में, और ये ऊपर का क्वेश्चन पूछा गया 10 में, 13 में, 14 में और 18 में। दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, देखना कैसे सॉल्व होगा। बच्चों मान लेते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन चलिए किया जाए। मान लेते हैं पहला पार्ट, माना पहला भाग एक्स तथा दूसरा भाग वाई है, तो दोनों पार्ट को आप ऐड करोगे तो 6 के इक्वल ही पाओगे। क्या कंडीशन दिया गया फंक्शन के बारे में, कि दोनों पार्ट का घन, घन मीन्स क्यूब का योग मिनिमा होना चाहिए। तो प्रश्न अनुसार मान लेते हैं फलन, माना फलन p से लिखा गया, और p के बारे में क्या है कि दोनों भाग का क्यूब घन, तो पहले पार्ट का क्यूब दूसरे पार्ट का क्यूब का योग, ये मिनिमा होना चाहिए, निम्निष्ठ होना चाहिए। फिर से देखो दो वेरिएबल है, इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से इसे हम किसी एक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। तो y की वैल्यू निकाल लो, 6 माइनस एक्स का क्यूब, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। डिफ्रेंसिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब ये प्योर x का फंक्शन हो गया, 3x स्क्वायर, इसको x कंसीडर करो, x क्यूब का फार्मूला लगाओ, 3 6 माइनस x स्क्वायर, लेकिन जिसे x माने हो उसके डिफ्रेंसिएशन से एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेना, 3x स्क्वायर, 3 6 माइनस x स्क्वायर, 6 का डिफ्रेंसिएशन 0, x का -1, 3x स्क्वायर माइनस 3 6 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन p विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करो, d2p/dx स्क्वायर, 6x, x कंसीडर करो, तो 6 ब्रैकेट में 6 माइनस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट वाले पार्ट को, ब्रैकेट वाले टर्म को x माने हो तो इसके डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा d2p/dx स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 6 6 माइनस x, 6 का डिफ्रेंसिएशन 0, x का 1, और आगे माइनस है तो -1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस पा जाएंगे। ये तो हो गया d2, फर्स्ट डेरिवेटिव को चलो 0 के इक्वल किया जाए, dp/dx = 0, 3x स्क्वायर, 3 6 माइनस x का होल स्क्वायर = 0। इसे सॉल्व करके वैल्यू निकालो x की, 3 से डिवाइड कर दो, या 3 0 के इक्वल होगा नहीं, तो x² 6 - x² = 0। a² - b² का फार्मूला लगा सकते हो, तो a+b हो जाएगा एक ब्रैकेट में, a-b हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, देखना यहाँ माइनस साइन था ना, तो चिन्ह चेंज हो गया है, साइन चेंज हो गया है, a-b, तो b का साइन चेंज हो गया। यहाँ पर आया 6 × 2x - 6 = 0, 6 की वैल्यू 0 होगी नहीं, इसलिए 2x - 6 = 0, x = 3। अब x = 3 सही तब माना जाएगा जब मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन जो p से डिफाइन किया गया है, इसकी वैल्यू मिनिमा आ जाए। तो मिनिमा कैसे आएगा, d2 में मान रखें, d2 को सॉल्व यहाँ किया गया, d2p/dx² @x = 3, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो आप कहोगे मिनिमा आएगा 6 × 3 + 6 × 6 - 3, ये हो गया 18, और यहाँ पर भी 3 आएगा, 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो गया 36, जो कि एक पॉजिटिव संख्या आई है। अतः कह सकते हो कि यदि पहला भाग 3 है तो फलन का मान निम्निष्ट होगा, और हमको निम्निष्ट चाहिए था,
यानी कि x की ये वैल्यू 3 सही वैल्यू है इस कंडीशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो पहला पार्ट 3 हो गया, अतः दूसरा पार्ट हो जाएगा जो 6 का पहला पार्ट 3 आ गया। तो दूसरा पार्ट आपको इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लो, y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो पहला भाग हो जाएगा भाग पहला पार्ट 3 और दूसरा पार्ट भी हो जाएगा 3। ये हो गया फाइनल आंसर। तो इसको आप नोट करेंगे या समझ गए होंगे, तो अपने टेक्स्ट बुक से या जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। बच्चों इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं या कई बार आए होते हैं, लगभग उसी ट्रेंड का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं होगा तो सिमिलर वैसे ही ट्रेंड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी चलो सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 जो स्क्रीन पर दूसरे नंबर पर लिखा है। प्यारे बच्चों चलो शुरू करते हैं दूसरे पार्ट का सलूशन लेना, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का जो 2006 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि कर्ण दिया हुआ है, यानी कि कर्ण की लंबाई गिवन है तो कर्ण अचर हो जाएगा। तो अगर कर्ण हमने सी मान लिया तो सी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, एक साइड हमने वाई लिया, दूसरा साइड एक्स लिया। आप जानते ही होंगे कि संपूर्ण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए। फंक्शन के बारे में जिसे मैक्सिमा या मिनिमा कहा गया उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है उसका परिमाप मैक्सिमा होगा। किसका परिमाप? त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप माने तीनों साइड को ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस सी। ये जो परिमाप है जिसे हमने पी से लिखा है, ये एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी फंक्शन है। तो इसे या तो प्योर एक्स का फंक्शन बना दो या तो वाई का। इक्वेशन नंबर 1 से वाई की वैल्यू निकाले, अब डिफ्रेंसिएशन करो। एक्स का 1 हो गया, इसे एक्स मानो, एक्स का पावर 1/2 एक्स का पावर -1/2 जिसे हम लोग एक्स मानते हैं डिफरेंशिएशन में, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस से आगे 2 से 2 कैंसिल, माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये अंडर रूट नीचे आकर के +1/2 हो जाएगा जो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा dp/dx इक्वल टू 1 और साइन हो जाएगा माइनस x by अंडर रूट c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सेकेंड डिफ्रेंसिएशन किया जाए, dp/dx स्क्वायर 1 का 0 माइनस, पहले लिखा जाएगा हर को, अंश में x है उसका डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस, अंश को लिखे हर का डिफ्रेंसिएशन करें तो 1/2 c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 -2x बाई हर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ सॉल्व कर लो, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया गया एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो एलसीएम लेना, क्रॉस गुणा करना, ये सब साधारण सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टोटल हो जाएगा होल टू द पावर 3/2, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यह आया है d2p/dx स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को चलो 0 के इक्वल करते हैं और यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे x का अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। इसे सॉल्व करना तो हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड का वर्क करना। तो दोनों साइड का वर्क करोगे तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू या c की वैल्यू निकालो ना निकालो, पहले d2 में रख दो एट सी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो आप देखो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर की जगह रखोगे 2x स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर की जगह रखोगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करोगे तो बचेगा x स्क्वायर
टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 यानी कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो मिलेगा 2/x जो कि एक निगेटिव संख्या आया है, और निगेटिव संख्या आने का मतलब ये हुआ कि सी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर पर फलन जो कि परिमाप माना गया था वो क्या होगा, उच्चिष्ट महत्तम होगा, और शायद क्वेश्चन में देखो यही लिखा था कि अधिकतम होगा। ठीक, यानी कि ये सी की वैल्यू या सी के सापेक्ष एक्स की वैल्यू जो भी कहो उस पर मैक्सिमम मिल गया, तो ये दोनों वैल्यू करेक्ट है, सी स्क्वायर करेक्ट होगा तो एक्स स्क्वायर भी करेक्ट होगा। अब आपको प्रूफ करना था कि ये समबाहु त्रिभुज है तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, वाई स्क्वायर से वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो ये समकोण त्रिभुज सम द्विबाहु भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम हटा रहे हैं और क्वेश्चन जो जगह बचा वहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो चूंकि आपको मिला है 2x स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 2, इट मींस पहली भुजा मिल गई सी बाय अंडर रूट 2। इक्वेशन नंबर 1 से जरा y की वैल्यू निकालो, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय 2 यानी कि सी स्क्वायर बाय 2, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा c बाई अंडर रूट 2। चूँकि आप देख रहे हो कि x और y दोनों की वैल्यू सेम आई है, और जब किसी त्रिभुज की चाहे वो समकोण ही त्रिभुज क्यों ना हो दो भुजा बराबर होगा तभी उसे हम समद्विबाहु कहेंगे। अतः त्रिभुज समद्विबाहु होगा, ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। कुछ अगर डिफ्रेंसिएशन में आपको कठिनाई होगी तो डिफ्रेंसिएशन की प्रैक्टिस करिएगा, जब हम एप्लीकेशन पढ़ा रहेंगे प्यारे बच्चों तब हम डिफ्रेंसिएशन आपको अपलोड करेंगे, क्योंकि ये मान करके चल रहे हैं कि आप डिफ्रेंसिएशन करना जानते हो। ठीक, 2018 और 2011 में आया हुआ है, कह रहा सिद्ध करो एक निश्चित आयतन का शंक्वाकार कोण नुमा डेरा है। ठीक, उस पर एक न्यूनतम कपड़ा लगाना है। अच्छा, न्यूनतम कपड़ा लगाना होगा तो कपड़ा तो हम उसके वक्र पृष्ठ पर ही लगाएंगे, यानी कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये कब होगा संभव, जब उसके आधार की त्रिज्या और हाइट में ये रेशियो आ जाए, या आपको प्रूफ करना हो। ठीक, तो सबसे पहले आयतन चूंकि निश्चित कर दिया गया तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर या जो कि आप जानते हो, इसलिए हम पहले लिख दिए ये कांस्टेंट होगा, वी यहाँ पर कांस्टेंट है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ पर ही आप उसका कपड़ा लगाओगे, तो कर्व सरफेस एरिया मिनिमम यानी कि जो फलन है फंक्शन है वो है वक्र पृष्ठ सी, ये हो गया वक्र पृष्ठ। और आपको याद होगा कि जो वक्र पृष्ठ होगा उसका फार्मूला होगा पाई आर एल, एल की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से रख दो, पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से एच या आर की वैल्यू जो भी आप निकाल सको रख दो, तो हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 1 से एच की वैल्यू निकाल रहे हैं, एच इक्वल टू हो जाएगा 3v बाई पाई आर स्क्वायर, सी में रखो तो सी हो गया पाई आर आई पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर 9v² बाई पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपसे बताया कि स्क्वायर कर लिया करो जिससे इजीली सॉल्व हो जाए, या नहीं भी स्क्वायर करोगे तो भी कर लोगे आप, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v² बाई पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, सी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एलसीएम हो जाएगा, 9v² प्लस हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक आर स्क्वायर बचेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9v² बाई आर स्क्वायर प्लस, देखो केवल आर स्क्वायर बचा होगा, प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 बाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9v² बाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और आर टू द पावर 4।
प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि स्क्वायर फंक्शन को या क्यूब फंक्शन को हम कुछ मान लेते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू पी, थोड़ी देर के लिए मान लो जिससे डिफ्रेंसिएशन आसान हो जाए। तो पी इक्वल टू हो गया 9 वी स्क्वायर आर टू द पावर माइनस 2 प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। डिफ्रेंसिएशन करो डी पी बाई डी आर इक्वल टू 9 वी स्क्वायर माइनस 2 आर टू द पावर माइनस 3 प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये हो गया माइनस 18 वी स्क्वायर आर टू द पावर माइनस 3 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। एक बार जल्दी से फिर से डिफ्रेंसिएशन कर लो तो हो गया प्लस 3 आएगा, यहाँ माइनस 3 आएगा प्लस कर देगा तो हो गया वी स्क्वायर आर टू द पावर माइनस 4 प्लस 4 3 जा हो गया 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। डी पी बाई डी आर को 0 के इक्वल कर लो तो हम निगेटिव साइन को पक्षांतर कर दे रहे हैं, हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 18 वी स्क्वायर आर टू द पावर माइनस 3, यानी कि 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 18 वी स्क्वायर बाई आर टू द पावर 6। आप वी स्क्वायर या आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो जैसी आपकी इच्छा, तो हो गया आर क्रॉस गुणा कर लो 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर, यहाँ पर 6 नहीं होगा यहाँ पर क्यूब, नीचे आएगा क्यूब हो जाएगा, आर टू द पावर 6 इक्वल टू 18 वी स्क्वायर। इसलिए देखो यहाँ पर वी स्क्वायर है ना, हाँ वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 बाई 18। देखते हैं कि इस पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक चाहिए हमको क्या कम से कम यानी कि मिनिमा। तो डी टू में मान रखो, यहाँ पर मान रखते हैं डी टू पी बाई डी आर स्क्वायर एट वी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 बाई 18, वी स्क्वायर की जगह पर मान रखो। अच्छा आप ऐसे ही मान रखो, ये पॉजिटिव टर्म है ये पॉजिटिव टर्म है, आप वी स्क्वायर की जगह वी की वैल्यू रखोगे और वी खुद ही स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब यह भी पॉजिटिव होगा, सॉल्व करने के बाद यह भी पॉजिटिव होगा और दोनों को जब हम ऐड करेंगे दो पॉजिटिव नंबर को तो जो हमको मिलेगा वो एक पॉजिटिव संख्या मिलेगा। इसका मतलब वी स्क्वायर के इस मान पर जो फंक्शन है वो न्यूनतम आ गया और हमको न्यूनतम चाहिए, अतः वी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 बाई 18 पर फलन न्यूनतम होगा। लेकिन ये हमको नहीं प्रूफ करना है बच्चों, हमको प्रूफ करना है कुछ और, हाइट और त्रिज्या में एक रेशियो। तो इस वी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि यहाँ से वी की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो देखो हाइट और एच के बीच में कुछ रेशियो आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से वर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 बाई 18 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर बाई 9, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया 9 टूजा हो गया 2 टूजा 4 हो गया आर टू द पावर 4 आर टू द पावर 6 कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है वो हम लिख रहे हैं 2 आर स्क्वायर बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एच स्क्वायर बच रहा है, ठीक। देयरफॉर 2 इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वर्गमूल निकाल लें तो अंडर रूट 2 इक्वल टू एच बाई आर। इसलिए हाइट और रेशियो जो त्रिज्या के बीच में रेशियो है वो हो जाएगा अंडर रूट 2 रेशियो 1, यही आपको प्रूफ करना था। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आया है, कोन और बेलन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनाए गए हैं, ठीक है, उसमें से ये क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के थे वो हम पिछले वीडियो में पूरा समझा चुके हैं आपको बच्चों। एक और क्वेश्चन चलो देखा जाए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक खुले बेलनाकार, खुला बेलनाकार का मतलब हो गया कि एक सिलेंडर है जिसका ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है, उस पर कोई भी मटेरियल नहीं है, ठीक है। कह रहे खुले बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा खुले अगर बेलनाकार है तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, नीचे वाला हिस्सा होगा लेकिन ऊपर कोई मटेरियल नहीं है, इसलिए 2 पाई आर एल यानी कि अगर हाइट एच है तो एच
और प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ वाला प्लस पाई आर स्क्वायर हम नहीं ऐड करेंगे, ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ऊपर वाला हिस्सा ऐड नहीं करना है क्योंकि वो खुला हुआ है, ठीक। तो उसका अधिकतम आयतन ज्ञात करो। तो चूंकि बेलन का ऊपरी पृष्ठ, ऊपरी पृष्ठ कह सकते हो, नहीं है, खुला हुआ इसलिए नहीं है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ दे दिया गया है 100, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे कैसे, 2πRh, h को मान लो h, ठीक, और प्लस केवल एक ही पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, नीचे वाला, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, इक्वल टू हो गया 100, इक्वेशन नंबर 1। उसका आयतन मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो फलन आपको लेना है आयतन, यहाँ पर v इक्वल टू, और बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। आप इस इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाल लो, h की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान रहो, आप समीकरण नंबर 1 से डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो पहले पाई आर स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दो, माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2πr, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, जरा आर का गुणा कर दो तो 100r माइनस पाई आर क्यूब बाई हो गया 2, अर्थात हो गया 50r माइनस पाई बाय 2 आर क्यूब। अब ये r का फंक्शन हो गया, इसलिए r के रिस्पेक्ट में इसे हम डिफ्रेंशिएट कर दें, पाई बाय 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, आर क्यूब का हो गया 3r स्क्वायर। एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो dv बाई डी आर इक्वल टू हो जाएगा 50 का 0 माइनस 3 पाई बाई 2 आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इंटू 2r, अर्थात हो जाएगा 3πr। एक बार और डिफ्रेंशिएशन किए तो यहाँ डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर नहीं लिखे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करो, तो 50 माइनस, यानी कि पक्षांतर भी साथ साथ करते चलो, तो 3πr स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो गया 50, आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100 बाई 3πr, आर की वैल्यू अंडर रूट 100 बाई 3πr, यानी कि हो गया 10 अंडर रूट 3πr। अब सेकेंड डेरिवेटिव में मान रखो, तो डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर माइनस 3πr, आर की जगह पर आर की वैल्यू, अच्छा बच्चों आर रेडियस है, रेडियस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का इस नेगेटिव में मल्टीप्लाई करोगे तो साल्व करने के चक्कर में अगर पड़ोगे तो करना, अंडर रूट 3πr से अंडर रूट 3πr कैंसिल हो जाएगा, तो साल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3πr, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर लिखना कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ एक नेगेटिव संख्या आएगी, और देखो वहाँ पर आयतन आपको अधिकतम प्रूफ करना था, तो चूंकि नेगेटिव आया है अतः r इक्वल टू 10 बाई अंडर रूट 3πr पर फलन अधिकतम होगा, ठीक है। लेकिन आपको r की वैल्यू नहीं पूछा गया है, पूछा गया उसका अधिकतम आयतन ज्ञात करो, तो इस r की वैल्यू को आयतन में रख दो, देखो अधिकतम आयतन क्या होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से, या अच्छा ये भी देखो कि यहाँ पर h को भी हम माने हैं, पहले h की वैल्यू निकाल लें फिर h और r की वैल्यू रखें, तो h की वैल्यू कैसे पाओगे, इक्वेशन नंबर 1 में r की वैल्यू पुट करो, तो चलो पुट करते हैं, 2πr r इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू इक्वल टू 100, इससे हम h की वैल्यू निकालने चल रहे हैं, तो 100 हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया बाई 2πr हो गया, 100 माइनस पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा 100 बाई 3πr होल डिवाइडेड बाई 2πr इंटू आर की वैल्यू हो जाएगा 10 बाई अंडर रूट 3πr, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 300 माइनस 100 यानी कि 200 और 3 नीचे चलाएगा तो 6 इंटू 10 यानी कि 60πr और अंडर रूट 3πr ऊपर चला जाएगा, ये हो गया हाइट की वैल्यू, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो,
टेन अंडर रूट थ्री पाई बाई थ्री पाई, एक अंडर रूट थ्री पाई से अंडर रूट थ्री पाई कैंसिल कर सकते हो, तो हो जाएगा हाइट की वैल्यू ये। अब आपको अधिकतम आयतन निकालना था, तो अधिकतम आयतन हम हमारे पास आर भी है और एच भी है, तो वी इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी थी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100 बाई थ्री पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट रख लिया गया, इंटू एच। हाइट की वैल्यू आई है 10 बाई अंडर रूट थ्री पाई, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1000 हो गया, 1000 हो गया, 3 अंडर रूट थ्री पाई। आप चाहो तो अंडर रूट थ्री पाई से रेशनलाइजेशन कर लो, परमेयकरण कर लो, या ना इच्छा कर रही हो मत करो, वैसे कर लेना चाहिए। 3 अंडर रूट थ्री पाई का अंडर रूट थ्री पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई, और 3 का 3 पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पाई, ये पूरा हो जाएगा घन सेंटीमीटर। कैलकुलेशन बच्चों चेक कर लिया करना, गलतियाँ हो सकती हैं, अपना सुधार लेना, ठीक। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे बच्चों, देख लो, हो सकता है स्क्रीन का कोई हिस्सा बाहर हो गया, हम सेट कर दे रहे हैं, देख लेना ध्यान से, कोई हिस्सा अगर मिस हो रहा हो तो ये भी क्वेश्चन नोट कर सकते हो, आया हुआ क्वेश्चन है, या समझ लो तो फिर नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ज़रा देखना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और बोर्ड एग्जाम में 2012 और 2019 में आया हुआ है। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा इसे। कह रहा सिद्ध करो एक शंकु के अंतर्गत एक कोण दिया हुआ है, उसके अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो चलो एक कोण बनाते हैं, एक कोण हो गया, इस कोण के अंदर आपको एक बेलन बनाना है, ठीक। तो मान लेते हैं कोण की हाइट है h, कोण की त्रिज्या है r, और इसमें एक चलो बेलन काट करके निकाला जाए। ऐसा सिलेंडर होना चाहिए जिसका महत्तम वक्र पृष्ठ हो, सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका रेडियस हम लोग चलो मान लेते हैं स्मॉल r, इसका मान लेते हैं x, जो सिलेंडर है बेलन है उसकी त्रिज्या हम लोगों ने कंसीडर कर लिया x, ठीक। तो क्या क्या पता है जरा देख लेते हैं। शंकु था, शंकु के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर की त्रिज्या x मानी गई, शंकु की हाइट है h और शंकु की त्रिज्या है r। बच्चों शंकु के अंतर्गत कह रहा है, यानी कि कोण दे दिया गया है, तो अगर कोण दिया गया होगा तो कोण के लिए जो भी हम कंसीडर करे होंगे, जो भी पैरामीटर माने होंगे, जो भी इकाइयां मानी गई होंगी, वो सब इकाइयां कांस्टेंट होंगी। जैसे शंकु का एच कांस्टेंट लेकर के चलेंगे, शंकु की त्रिज्या आर कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। अब किसी तरह आप आइडिया लगाओ, बेलन का हाइट निकाल लो। तो मान लेते हैं बेलन की हाइट है एच डैश, ये बेलन की हाइट हो गई। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो आपके पास मान लो नाम लिखने के लिए लिख दिए ए बी सी और यहाँ पर डी, तो आपके पास दो त्रिभुज दिखाई देंगे, दो समकोण त्रिभुज दिखाई देंगे जो समरूप होंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज होगा किसके, इसका नाम मान लो ई रख दिया गया, तो समकोण त्रिभुज ई एफ लिख दिए एफ सी। इसमें जरा समरूपता का, या कह सकते हो जो रेशियो वाला फार्मूला आप जानते हो उसका यूज करो। दो त्रिभुज समरूप माने कब जाते हैं, जब एक त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, ठीक है। दोनों त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग भुजाओं का रेशियो इक्वल होता है, तो उस थ्योरम का चलो यूज करते हैं। इस त्रिभुज में एक भुजा ले रहे ए बी, बड़े वाले त्रिभुज में, और बी सी, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग छोटे वाले में क्या है, ए बी के करस्पॉन्डिंग ई एफ है, ई एफ, और बी सी के करस्पॉन्डिंग है एफ सी। सबकी वैल्यू देख करके रखो, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था।
तो ए बी की वैल्यू है एच स्मॉल एच, बी सी की वैल्यू है स्मॉल आर, ये शंकु के लिए था। ई एफ देखो कितना है, ई एफ है एच डैश बेलन की हाइट, और एफ सी आर में से एक्स माइनस कर लो, देखो ये बी से सी तक है आर, उसमें से एक्स माइनस कर लो तो एफ सी मिल जाएगा, यानी कि आर माइनस एक्स, इसलिए बेलन की हाइट हो जाएगी एच आर माइनस एक्स बाई आर। आपको क्या निकालना है, महत्तम वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ सी, इसका फार्मूला आपको पता होगा, टू पाई आर और एच, हाइट हम लोगों ने माना है एच डैश, और इसकी त्रिज्या माना गया है एक्स, तो वक्र पृष्ठ सी इक्वल टू हो जाएगा टू पाई एक्स, एच डैश की वैल्यू हो जाएगी एच आर माइनस एक्स बाई आर, मल्टीप्लाई कर लो, टू पाई एच एक्स इंटू आर माइनस टू पाई एच एक्स स्क्वायर बाई आर, टू पाई एच एक्स का आर में मल्टीप्लाई किया, टू पाई एच एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आर, आर से डिवाइड कर लोगे तो टू पाई एच, आर से आर कैंसिल हो जाएगा एक्स, और टू पाई एच बाई आर इंटू एक्स स्क्वायर। जैसा हमने कहा कि शंकु गिवन था, इसलिए शंकु का जो भी पैरामीटर होगा वो कांस्टेंट होगा, तो एच और आर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, इसलिए हम डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी सी बाई डी एक्स टू पाई एच माइनस ये हो जाएगा फोर पाई एच बाई आर इंटू एक्स। एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर लो, डी टू सी बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो फोर पाई एच बाई आर माइनस फोर पाई एच बाई आर। डी सी बाई डी आर को डी एक्स को जीरो के इक्वल किया जाए तो आपके पास हो जाएगा टू पाई एच माइनस फोर पाई एच एक्स बाई आर इक्वल टू जीरो। टू पाई एच कॉमन कर सकते हो आप, तो बचेगा वन माइनस टू एक्स बाई आर इक्वल टू जीरो, टू पाई एच कैन नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर वन माइनस टू एक्स बाई आर इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू आर, देयर फोर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर बाई टू। डी टू सी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू आर बाई टू पर चेक करो, तो माइनस फोर पाई एच बाई आर की जगह पर टू एक्स, जो कि एक नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव संख्या आने का मतलब हो गया कि एक्स इक्वल टू आर बाई टू पर जो भी फलन होगा वो उच्चिष्ट होगा। ठीक, ये तो मिल गया उच्चिष्ट होगा, लेकिन प्रूफ आपको ये करना है कि जो शंकु की त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो बेलन की त्रिज्या हम लोगों ने एक्स माना है, शंकु की त्रिज्या कैपिटल सॉरी स्मॉल आर माना है, तो आपके पास है एक्स इक्वल टू आर बाई टू, एक्स है बेलन की त्रिज्या, यानी कि बेलन की त्रिज्या ये वन बाई टू है आर था शंकु की त्रिज्या के, शंकु की त्रिज्या। तो आपने प्रूफ कर लिया कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, कब, जब कोई बेलन जिसका महत्तम वक्र पृष्ठ है और वो भी किसके अंदर फिक्स कर दिया गया है, कोण के अंदर फिक्स कर दिया गया है, तो चूंकि कोण दिया हुआ था इसलिए कोण का हर पैरामीटर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है कांस्टेंट। आपने इस पॉइंट को पकड़ा होगा, समझा होगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन था बच्चों, और 12 और 19 के बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आया है लेकिन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है एक, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि माना बिंदु ए और बी क्रमशः बिंदु पर क्रमशः ए पी और बी क्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी लंबाई 16 और 22 मीटर दिया हुआ है, और ए बी ए से बी का जो टोटल लेंथ है वो है 20 मीटर। ए बी पर कोई बिंदु कैपिटल आर ज्ञात करो जिससे ये जो फंक्शन है आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर का मतलब इसका हाइपोटेनियस कर्ण,
आर क्यू स्क्वायर दूसरे त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का कर्ण, इन दोनों का सम जो है वो मिनिमम हो। आसान सा क्वेश्चन है इसके लिए। चलो आर का आपको डिस्टेंस मानना है, तो मान लो आर का डिस्टेंस किसी एक साइड से यक्स है, तो यहाँ से यक्स है तो ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा 20 माइनस यक्स। आप पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल सकते हो, आर पी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और फंक्शन क्या निकालना है, ये इसको मान लेते हैं फंक्शन एफ इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। आर पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर क्यू की वैल्यू हो जाएगी 22 स्क्वायर 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। एफ जो कि फंक्शन एक्स का हो जाएगा। तो बच्चों जब एफ एक्स फंक्शन को आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है इसलिए हम फंक्शन एफ को एफ एक्स लिख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करोगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से और सभी टर्म को एक साथ करोगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 40x और 1140। इसका डिफरेंशिएशन किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 4x माइनस 40, और तुरंत सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो 4, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करें, आप x की वैल्यू पाओगे 10 मीटर। f डबल डैश में x के जगह पर चूंकि x है ही नहीं आपको रखना है 10, आएगा 4 जो कि एक पॉजिटिव संख्या है, और पॉजिटिव संख्या पर क्या आप कहते हो, आप कहते हो कि x इक्वल टू 10 मीटर पर फलन निम्निष्ट होगा। ठीक, निम्निष्ट आपको चाहिए था, देख लेना एक बार, निम्नतम कह रहा था, निम्नतम मिल गया। तो निम्नतम कब मिला है, जब ए से उस पॉइंट आर का डिस्टेंस 10 मीटर है, यानी कि ए से पॉइंट आर का डिस्टेंस 10 मीटर और बी से पॉइंट आर का डिस्टेंस हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10 मीटर। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकता है कि प्रूफ करो कि आर मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्टर होगा किसका, ए बी का। तो देखो 20 का 10 और 10 मिल रहा है, यानी कि ये जो आर है वो ए बी का मध्यबिंदु होगा। तो थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को नया भी कर सकता है। प्यारे बच्चों जैसा हमने कहा कि ये लास्ट पार्ट था। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हमने अपने दोनों वीडियोज़ में उसे कंसीडर नहीं किया है। बच्चों वो या तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं होंगे, या तो हो सकता है कि हम इस अपेक्षा से उसे छोड़े हों कि आप उसे कर सकते हो। प्यारे बच्चों जैसा हमने हर वीडियो के लास्ट में मैथ के बोला होगा कि आप प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, कभी इस बात पर घमंड ना करिएगा कि हमको ये क्वेश्चन आ रहा है। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपने भले के लिए मैथ की प्रैक्टिस कंटिन्यू करिएगा। आपके साथ हम और आपके क्लास के टीचर भी होंगे, सब्जेक्ट टीचर भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अप्लीकेशन सेकेंड होगा टेंजेंट और नॉर्मल पर, यानी कि अभिलंब और स्पर्शी। और अगर आपको कम मेहनत करनी है मैथ में तो एक आप मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ोगे और स्पर्शी और अभिलंब पढ़ोगे, दोनों से एक एक क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप कम से कम मेहनत करके भी अधिक से अधिक नंबर मैथ में पा सकते हो। मेरा प्रयास हमेशा आपके साथ रहेगा, आप अपने हिस्से की मेहनत करो, हम अपने हिस्से की मेहनत करते हैं, देखो दोनों मिल करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने में मदद ज़रूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैथ का एक दूसरा टॉपिक होगा जो आधारित होगा टेंजेंट और नॉर्मल पर, स्पर्शी और अभिलंब पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।